आसपास अक्सर पटाखे या गोली चलने जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। बहुत से लोग इस तेज आवाज को सुनकर चौंक कर यहाँ वहां देखने लगते हैं। ये डराने वाली आवाज बुलेट बाइक की होती है। बहुत से नौजवान लोगों को चौंकाने और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। अगर बाइक या बुलेट से तेज आवाज निकालते वक्त किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की निगाह आप पर पड़ गई तो फिर आपकी जेब ही नहीं एटीएम और पेटीएम भी ढीला हो जाएगा। आपको बता दें कि पानीपत पुलिस कप्तान ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने और शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं। पानीपत डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ फरवरी माह में विशेष अभियान चलाकर लोगों को परेशान करने वाले 155 शरारती युवकों की बुलेट के चालान किए हैं, जिससे 15,50,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। उन्होंने कहा कि बुलेट के पटाखे की आवाज कमजोर दिल वाले लोगों व मरीजों के लिए घातक हो सकती है, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय मैकेनिकों के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाएगी जो बुलेट मोटरसाइकिलों में साइलेंसर बदल पटाखे छोड़ने के यंत्र लगाते हैं। नए कानून लागू होने के बाद सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ऐसे बाइक सवारों से या तो मोटा जुर्माना वसूला गया है या फिर उनकी बाइक इम्पाउंड कर ली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि महिलाएं व कॉलेजों में जाने वाली लड़कियां भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करती, अब उनके ऊपर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि नियम व कानून हर किसी के लिए बराबर है, जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। हाँ, देखिए फरवरी महीने में 10,000 से ज़्यादा चालान हुए हैं, जिसमें से 155 चालान बुलेट पटाखे जो बजाते हैं उनके हुए हैं और करीब उसमें 15,550,000 जुर्माना लगाया गया है। और आमतौर पर जो पब्लिक सबसे ज़्यादा शिकायत बुलेट की करती है, क्योंकि वाकई में वो आप भी सुनेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है एकदम, अगर आदमी का दिल कमज़ोर हो तो दिल भी फट जाए, इतना ज़ोर से वो पटाखा बजता है। तो उस विषय में ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो लगातार ये ऐसे चालान जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कानून की नज़र में, कानून में कोई महिला और पुरुष डिफाइन नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो कानून की उल्लंघना करता है बराबर फाइन होगा, बराबर चालान। देखिए महिला, हमारे जो पुलिस की महिलाएं हैं वो एक महिला में और जेंट्स में कोई अंतर नहीं है, जो ड्यूटी जेंट्स करते हैं वो महिलाएं भी करती हैं, तो वो ये रूटीन है, चलता रहता है, वो ट्रैफिक की ड्यूटी भी करती हैं और बाकी सब ड्यूटियां भी करती हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक